जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रा एंड जेलीफिश को. हम देखेंगे कि ये कौन से, किस रंग के ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये किस रंग के दिखते हैं हमें. ठीक है, ये जो जिस ग्रुप में, जिस फाइलम में ये आते हैं, हमने पहले भी पिछली वीडियो में इसमें स्टडी किया है कि ये फाइलम सिलेंट्रेटा में आते हैं. ठीक है, ये दोनों जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म फाइलम सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, और ये फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं. ठीक है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले जो है हाइड्रा की एग्जाम्पल मौजूद है, तो देख लेते हैं हाइड्रा जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, दिखने में कैसा है और इसके जो बॉडी के जो हैं पार्ट्स वो कैसे होते हैं. ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होता है, इसमें टिश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं. ठीक है, सिलेंट्रेटा में ये हमारे पास डायग्राम आ गई है. ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक बेसल डिस्क है जो कि इसके लोअर पार्ट में पाई जाती है. ठीक है, फिर इसके ऊपर पार्ट में हमारे पास जो आते हैं, जो इसके पार्ट्स, वो हमारे पास टेंटिकल्स हैं और माउथ है. ठीक है, और ये आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो इसकी बॉडी शेप है वो सिलेंड्रिकल है. ठीक है, जिस तरह सिलेंडर की शेप होती है. ठीक है, सिलेंडर नुमा एक हमारे पास स्ट्रक्चर है. ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है. ठीक है, सिलेंड्रिकल के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं. ठीक है, सिलेंड्रिकल ठीक हो गया, सिलेंड्रिकल. और इसके ऊपर जो है हमारे पास टेंटिकल्स पाए जाते हैं. ठीक है, और टेंटिकल्स क्या होते हैं, टेंटिकल्स हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, और ये मोस्टली जो है प्रे करने के लिए, डिफेंस करने के लिए, स्टिंगिंग के लिए इस्तेमाल करता है हाइड्रा. ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, थ्रेड लाइक, और ये यूज किस लिए किए जाते हैं, प्रे को कैप्चर करने के लिए. ठीक है, एक इसके सेंटर में यहाँ पर ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ कहते हैं. ठीक है, इस ओपनिंग का नाम ने क्या रखा हुआ है, माउथ. ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या है हमारे पास, ओपनिंग है. ठीक है, सही हो गया. तो ये हमारे पास हाइड्रा का स्ट्रक्चर था. इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास टेंटिकल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं स्टिंगिंग के लिए. ठीक है, इसके अंदर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं. ठीक है, अगर ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करना चाहता है तो ये अपने टेंटिकल्स के जरिए उसको कैप्चर करता है. ठीक है, और स्टिंगिंग सेल्स के अंदर पॉइजनस मटीरियल होता है जो कि जब ये प्रे को कैप्चर करता है तो वो उसको मार डालता है. ठीक है, यानी उसको नुकसान पहुंचाता है. ठीक है, फिर ये उसे कैप्चर कर सकता है. इसके अलावा ये जो है स्टिंगिंग सेल्स और ये जो टेंटिकल्स हैं इसको यूज करता है अपने डिफेंस के लिए. ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं टेंटिकल्स जो है वो किस लिए यूज किए जाते हैं, फॉर डिफेंस पर्पस के लिए. ठीक है, डिफेंस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं. इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, कैप्चर करना प्रे को. ठीक है, कैप्चर करेगा प्रे को. ठीक है, जो जो भी इसका शिकार होगा. ठीक है, फिर ये इसको कैप्चर करके यहाँ से माउथ में ले जाएगा. ठीक है, कैप्चर करने के बाद ये इसमें माउथ में इसको ओपन करेगा प्रे को. ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं माउथ में. ठीक है, और माउथ से अंदर जो है इसके अंदर कैविटी मौजूद होती है. ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं माउथ के आगे हमारे पास क्या मौजूद है, कैविटी है. ठीक है, उस कैविटी को हम सिलेंट्रॉन कहते हैं, कैविटी है. उसका नाम क्या है, सिलेंट्रॉन है. ठीक है, सिलेंट्रॉन है, होलो स्पेस होती है, वहां पर कैप्चर को फिर कैप्चर करके प्रे को वहां रख लेगा. ठीक है, सिलेंट्रॉन हो गया. ठीक है, और यह क्या है हमारे पास, हॉलो स्पेस होती है, हम लिख लेते हैं हॉलो स्पेस. ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो हाइड्रा है वो कैप्चर करेगा टेंटिकल्स के थ्रू प्रे को और फिर माउथ से अपनी बॉडी में ले जाएगा. ये जो इसके अंदर जो कैविटी है उसके अंदर ले जाएगा. हम यहाँ लिख लेते हैं ये हमारे पास क्या है, इंटरनल कैविटी है. ठीक है, तो ये हमारे पास था हाइड्रा. अब हम देख लेते हैं हमारे पास जेलीफिश जो है वो कैसी होती है. ठीक है, जेलीफिश जो है ये हमारे पास, ये भी इसी सिलेंड्रेटा ग्रुप में आती है. ठीक है, और ये सी एनिमल है. ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं ये क्या है हमारे पास, सी एनिमल है. ठीक है, और ये भी इन्वर्टिब्रेट्स में है, सिलेंड्रेटा की एग्जांपल है. ठीक है, तो इसकी डायग्राम ले आते हैं जिससे हम इसकी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ठीक है, ये हमारे पास जो है जेलीफिश है. ठीक है, इसको लिख भी लेते हैं, लेबल भी कर लेते हैं. ठीक है, हमारे पास जेलीफिश हो गई है. ठीक है, और ये इसके जो आपको नजर आ रहे हैं लोअर साइड पे, ये इसके आर्म्स होते हैं. ठीक है, ये हमारे पास इसके आर्म है. ठीक है, और जेलीफिश जो है इसकी आपको शेप जो है वो नजर आ रही है, इसको हम अम्ब्रेला लाइक शेप कहते हैं. ठीक है, जिस तरह हमारे पास अम्ब्रेला होती है तो उसी तरह इसके ऊपर से जो ओपनिंग है अम्ब्रेला लाइक बॉडी है इसकी. ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं इसकी बॉडी किस तरह की है, अम्ब्रेला की तरह की है. ठीक है, अम्ब्रेला लाइक बॉडी है इसकी. ठीक है, और ये फ्रीली स्विम करती है. ठीक है, वाटर में, क्योंकि इसके पास जो है आर्म्स हैं, ये मूव कर सकती है. ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास फ्रीली स्विम करती है वाटर में.
ठीक है, और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसका जो माउथ होगा वो डाउन साइड पे प्रेजेंट होता है। हमारे पास ये डायग्राम जो है इसमें हम देख सकते हैं कि इसके जो डाउन साइड है अम्ब्रेला के डाउन साइड पे, इसकी लोअर साइड पे हमारे पास यहाँ माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है, डाउन साइड दी माउथ इज डाउन साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, डाउन साइड किसके, जो अम्ब्रेला की आपको शेप नजर आ रही है ये वाली अम्ब्रेला शेप, इसके डाउन साइड पे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अम्ब्रेला शेप के नीचे जो इसके माउथ प्रेजेंट होता है, अम्ब्रेला शेप के नीचे। ठीक है, और इसके पास जो है आर्म्स होते हैं। ठीक है, इसके पास जो लॉन्ग आर्म होता है वो यूज किया जाता है प्रे को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करने के लिए ये यूज करता है लॉन्ग आर्म। ठीक है, और इसके पास जो ये जो हमारे पास आम है इसके अंदर हमारे पास जो है हमारे पास स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी जो प्रे को कैप्चर करेगा तो उसके अंदर स्टिंगिंग सेल्स होंगे जिससे कि प्रे को जो है वो कह सकते हैं हम किसको बेहोश कर देगा। ठीक है, और फिर अपने शिकार को जो है अपनी बॉडी में ले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जेलीफिश का स्ट्रक्चर था। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि जेलीफिश जो है वो फ्रीली वाटर में पाई जाती है, सी एनिमल है। ठीक है, इसका जो बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है वो अम्ब्रेला लाइक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने दूसरा भी ऑर्गेनिज्म डिस्कस किया जिसका नाम था हाइड्रा। ठीक है, ये दोनों जो है हमारे पास एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा की। ठीक है, हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है और जेलीफिश है वो सी वाटर में रहती है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया हाइड्रा एंड जेलीफिश को।